नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर आजमगढ़ से आ रही है। सराय मीर सुरही बुजुर्ग में भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हुए नजर आ रहे परियोजना निदेशक मिर्जापुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा सुरही बुजुर्ग निवासी जनार्दन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे द्वारा सूचना आयोग में प्रस्तुति की गई अपील में दिनांक 9/11/2020 को राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में अपील संख्या S9/297A/2020 में सुनवाई थी, जिसमें जनसूचना अधिकारी परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण आजमगढ़ है। परियोजना निदेशक महोदय भ्रष्टाचारियों को बना देते हुए नजर आ रहे हैं। परियोजना निदेशक के जगह पर ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी महोदय सुनवाई में उपस्थित हुए थे, जबकि इस पत्रावली में सेक्रेटरी महोदय से लेकर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अपात्र विकास आवास लाभकारियों के विरुद्ध विधिक कानूनी कार्यवाही करने का उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश निर्देश व आग्रह किया गया है। परियोजना निदेशक महोदय आजमगढ़ को एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही आवेदनकर्ता जनार्दन चौहान को स्पष्ट सूचना ही प्राप्त कराई है। जन सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट सूचना न प्राप्त कराए जाने को देखते हुए माननीय राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 9/11/2020 को सुनवाई करने के बाद कहा गया कि अग्रिम कार्यवाही के लिए इस पत्रावली को रिजर्व किया जा रहा है। दो दिन बाद आप लोग दूरभाष के माध्यम से पता कर लीजिएगा कि इस पत्रावली पर क्या कार्यवाही हुई एवं अगली सुनवाई के लिए नियम कब है। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। जी सर, बताइए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जनार्दन चौहान है, मैं जो की गाँव सभा सुने मुझे विकास खंड मिर्जापुर कराने वाला हूँ। मैं विशेष पत्रकार हूँ और हमारे यहाँ जैसे कि ग्राम प्रधान द्वारा नाम व वल्दियत बदल कर पात्रों का वार किया गया, तो जिसपे मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसपे 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी जांच के लिए। जांच में टीम गठित हुई, जांच हुई, उसकी जांच रिपोर्ट डीएम साहब के यहाँ प्रस्तुत हो गई, जिसके उसमें कुछ 13 लाभार्थी ऐसे हैं जो नाम बोलते हुए उनका आवास लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जो आवास लेकर आवास बनवाए नहीं है, आवास का पैसा गबन कर गए। कुछ ऐसे भी हैं जो आवास को आवास ना बनवा कर दुकान बनवा लिए हैं। तो उसमें डीएम साहब जो भी कार्रवाई का आदेश जो कि परिवहन निदेशक महोदय दिए थे, इस पर 1 साल हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में मेरे द्वारा सूचना से रिपोर्ट आनी गई, जब सूचना के माध्यम से जो सूचना अधिकार 2005 कर गए, उस पर कोई सूचना नहीं प्राप्त कराए। उसके बाद मैं प्रथम अपील किया, प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग किया, राज्य सूचना आयोग लखनऊ से नोटिस चली, उसको भी हुई, अधिकारी को भी हुई। तो अधिकारी मौके पर नहीं गए, अधिकारी के बदले में जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी महोदय गए, जबकि इसमें सेक्रेटरी महोदय का ही हाथ है जो उल्टा सीधा आवास दिए। उसमें एक दिन की सूचना भी नहीं पूरी है, वो भी आज ही सूचना पूरी है, मेरे द्वारा 3 दिन की सूचना मांगी गई ना, तो उसमें अभी तक FIR दर्ज करवाए ना तो उसमें रिकवरी कराए, जबकि उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश है संबंधित कर्मचारी और अपात्र आवास लाभार्थियों के ऊपर विधिक कानून कार्रवाई किया जाए और धन की रिकवरी किया जाए। तो ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केवल जो कि आगे पीछे कागज सूचना ना देने का कारण कही है, जो सूचना दे देंगे तो इनका जो कि कागज चिट्ठा इनके कृत का भंडा फोड़ हो जाएगा। ये अपने कृत को छुपाते हुए जो कि नजायज तरीके से दबाव बना रहे हैं। और राज सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ में यानी कल 9/11/2020 को तारीख थी, उसमें जो कि सेक्रेटरी महोदय गए थे, उसमें ये हुआ कि कोई सफाई नहीं दे पाए, वो सूचना देने में असमर्थ है। तो राज सूचना आयोग द्वारा इनकी जो कि फाइल को हमारे अग्रिम कार्रवाई के लिए जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। हमको ये कहा गया कि आप 2 दिन बाद फोन से संपर्क कर लीजिएगा, इस पर जो भी कार्रवाई या अगली तिथि होगी आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही स्थिति में जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सूचना देने में जो कि परिवहन निदेशक महोदय आनाकानी कर रहे हैं, हमें संदेह है कि परिवहन निदेशक महोदय ये भ्रष्टाचार पनाह दे रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार पनाह ना देते हो तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि सरकारी धन का दुरुपयोग काफी लंबी जो की प्रक्रिया है, इसमें ये सब की है, इसमें काफी लंबा जो कि धन का घोटाला किए हैं और धन के घोटाले में परिवहन निदेशक महोदय का भी जो कि हाथ हमको दिख रहा है। इसमें कितना घोटाला होगा कि लमसम सर? इसमें घोटाला मान के चलिए कितना निकम होगा तो 72 आवास में 99% आवास का घोटाला किए हैं। और बल्कि